जी स्टूडेंट्स, बेसिस के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताना है आज। इसके लिए आपको एक जनरेटिंग सेट्स का पता होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स का पता होना चाहिए। दोनों आप लोगों ने पढ़ ली है। जनरेटिंग 6.1 में पढ़ा था और 6.2 में आपको मैंने लास्ट टाइम 6 क्वेश्चन तक इंडिपेंडेंट सेट्स के बारे में बताया था। तो स्टूडेंट सेट की बेसिस कैसे बनती है, कौन सा सेट बेसिस बनाता है, दो कंडीशंस हैं। एक तो सेट को जनरेट करना चाहिए, ठीक है, मतलब उसके लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये पहली कंडीशन हो गई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट विच, और दूसरी कंडीशन होगी जनरेटिंग के लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो कि जनरेट भी करे या स्पैन भी करे, ऐसा सेट बेसिस बनाता है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन करते हैं हम, कह रहे हैं कि वेरीफाई द पॉलिनोमियल। ये तीन पॉलिनोमियल आपको गिवन है, ठीक है, बताओ ये पॉलिनोमियल बनाता है बेसिस इन P3 के नहीं। P3 से मतलब है कि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो उसमें हमने सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो होती है लीनियरली इंडिपेंडेंट देखना। ये देखते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। कैसे लिखोगे? बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ए विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस वन, बी विल मल्टीप्लाई बाय दिस वन, सी मल्टीप्लाई बाय दिस वन, डी मल्टीप्लाई बाय दिस वन, ठीक है। ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है, आप लोग खुद एक स्टेप एक्स्ट्रा करें, ए को अंदर मल्टीप्लाई करें, बी को करें, सी को करें और डी को करें, ठीक है। फिर ए क्यूब वाली एक्स क्यूब वाली इकट्ठी कर ली, ये आ गई, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठी की, ये आ गई, एक्स वाली इकट्ठी की आ गई और जो रिमेनिंग थी वो ये रहे, ठीक है। अब ये सारा इक्वल है जीरो पॉलिनोमियल की, तो आपको पता है जीरो पॉलिनोमियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो, ठीक है। इसको इक्वल टू जीरो रखा, इसको इक्वल टू जीरो रखा, इसको इक्वल टू जीरो रखा। अब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक तो चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर लो जैसे उन्होंने किया हुआ है, दूसरा आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से फिर माइनस वन जीरो माइनस थ्री जीरो और जीरो, ठीक है, और जीरो वन जीरो और माइनस। क्या बात है स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करती हो, क्या क्या बैठे बैठे तकलीफ होती है, अपना कैम ऑन कर लेती हूँ, अपना आप किसी का कैम नजर ना आए मुझे चलता। यहाँ पर b एब्सेंट था तो इसलिए b का कोएफिशिएंट जीरो लिखा है, यहाँ पर a b a c और जो है वो जीरो आ गई, ठीक है। अब आपने दूसरा क्या करना है, एक तो जीरो आने से क्या मतलब है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि स्पैनिंग प्रूव करना है कि स्पैनिंग है कि नहीं है। अब यहाँ तक तो पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अब स्पैनिंग प्रूव करना है। स्पैनिंग के लिए दोबारा से इसको इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखोगे, और उन्होंने क्या कहा था कि स्पैन किसके साथ स्पैन करता है, गिवन था स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला गिवन था वन प्लस एक्स के एक्सप्रेस ईच ऑफ दिस वन इज एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री, ठीक है। तो हमने इसके इसको इन तीनों पॉलिनोमियल्स को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए को इससे मल्टीप्लाई किया, बी को इससे किया, सी को इससे किया, डी को इससे किया,
ठीक है, तो एक्स क्यूब वाली इकट्ठी आ गई, एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठी आ गई, एक्स वाली इकट्ठी आ गई, ये वाली इकट्ठी आ गई। ठीक है, अब इसमें को कंपेयर किया है दोनों तरफ से, यहां पर 0x³ प्लस 0x² प्लस 1 प्लस x। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0, x² इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 -1, और दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, तो स्टूडेंट जब हम इसको कर लेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 0 -1, सॉरी यहाँ आना है, दोबारा लिखती, एक एक मिनट। हाँ जी, इसमें इसको आप सॉल्व करो, और इसमें से यहाँ पर भी सॉरी वन आना है, आप निकाल के बताओ मुझे ए बी सी डी की वैल्यूज कैलकुलेट करके बताएं आप, कि क्या आती, जल्दी से कर लो, बताओ क्या आंसर आता। जी ईशा, क्या पूछ रहे हैं, क्या कंफ्यूजन है, पूछिए अगेन, मैंने नहीं देखा आपका क्या क्वेश्चन है, अगेन पूछो, ये तो क्वेश्चन ही नहीं कुछ लिखा तुमने, ऐसे सिर्फ ये लिखा है मैम बता दें, बहुत कंफ्यूजन हो रही है, अगेन बताओ क्या आप पूछ रही हो। आप जीरो के नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की बजाय वैसे भी जीरो को स्किप करके भी ले सकते हो, ये जो लास्ट रो कॉलम मैंने लिखा था उसको स्किप करके भी ले सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं दिस इज इक्वल्स टू जीरो, आप लोगों को क्योंकि इस तरह से करने की आदत थी इसलिए मैंने जीरो वर्ग की वैल्यूज के साथ लिखा है, ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। ठीक है, आप जैसे कह रही हैं आप वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं जीरोस के साथ, ठीक है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म, इज दैट क्लियर ईशा। वैस कह रहा थी 2 की जगह 3 आना है फर्स्ट रो में, सही कह रहा है, वैसे तो 3 ही आना है, ठीक कर लो इसके हिसाब से और जल्दी से करके बताओ। जी बिल्कुल साइका, जैसे यहाँ पर सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से उसको भी कर सकते हो, मैंने सिर्फ इससे इसलिए किया है क्योंकि आप लोग पहले इससे सॉल्व करने की आदी हो, तो कंफ्यूज ना होना, वो आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहती थी इसलिए मैंने इसको इस मेथड से किया, अगर आपको इसकी समझ आ रही है बेहतर तो आप इससे भी कर सकते हो, बल्कि ये आई फील सो ये बहुत ईजी है इसकी निस्बत। ठीक है, मैं क्वेश्चंस बताती हूँ जैसे कहाँ तक करने हैं, ये मुझे पहले ये बताओ कि वैल्यू निकाली ए बी सी की क्या आई है, यहाँ बी की वैल्यू ये आएगी, डी की वैल्यू ये आएगी, बी की वैल्यू ये आई है, डी की वैल्यू ये आई है, और सी की वैल्यू ये है, ये 3 की वैल्यू ये है, तो इसका क्या मतलब है कि लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो एग्जिस्ट
करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दो कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी था, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए थे और दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए थी। तो दोनों कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये सेट जो है, ये पॉलिनोमियल जो है बेसिस बनाती हैं। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स इन्हीं लाइन पे आपने क्वेश्चंस बाकी करने हैं, मैं आपको टेक्स्ट में बता देती हूँ कौन कौन से करने हैं। तो एक 3 मिनट रह गए हैं, अपनी अटेंडेंस मार्क करें।